दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। दोस्तों आज हम आपको इस एपिसोड में ये बताएंगे कि आईसीआईसीआई बैंक में कोई भी आप यूज़र यानी अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आप इसको कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि आप आईसीआईसीआई बैंक से अपने आईसीआईसीआई बैंक से किसी दूसरे के आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं या किसी दूसरे बैंक में भी करना चाह रहे हैं नेफ्ट के थ्रू या आईएमपीएस के थ्रू किसी भी तरह से, तो सबसे पहले उस अकाउंट को आपको ऐड करना पड़ता है, उसके बाद ही आप उसको पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको बड़े आसानी से बड़े सरल तरीके से बताएंगे जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस प्रोसेस को समझने में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आप वैसे तो ICICIbank.com यहाँ टाइप करके सीधा शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि आप गूगल में जाएँ और ICICI बैंक टाइप कर लें या ICICI नेट बैंकिंग कर लें, कोई भी कर लें, उसके बाद ये यहाँ पर क्लिक करें। दोस्तों मैं इस तरह ये प्रेफरेंस क्यों करता हूँ कि कभी कभी बहुत सारी फेक आईसीआईसीआई बैंक या banks.com bank.in के नाम से बहुत सारी साइटें फेक साइटें आ जाती हैं जिसकी वजह से कभी कभी कस्टमर को चूना लग जाता है। इसलिए मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि आप गूगल में जा करके आईसीआईसीआई बैंक टाइप कर लें और उसके बाद ही इसको करें। तो मैं यहाँ पर ये आ चुका हूँ और ICICIbank.com सबसे पहली ही साइट आपकी आएगी और यहाँ आपको क्लिक करना है। ऐसा क्लिक करने पर ही दोस्तों यहाँ पे कुछ मत करिए, इसको लेटर कर दीजिए और यहाँ पे लॉगिन आपको यहाँ पर दिखेगा राइट साइड में, लॉगिन में क्लिक करना है। सिंपली हमने ये क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ कंटिन्यू टू लॉगिन आता है, इसमें क्लिक करना है आपको, ये मैंने क्लिक कर दिया है। दोस्तों अब ये बहुत ही इजीली, अब यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड आपका जो होगा वो आपको डालना है। मैं इसको ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये यूजर नेम पासवर्ड किसी और को बताना नहीं चाहिए, तो इसको मैं ब्लर कर दूंगा। हालांकि मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरा रहा यूजर नेम और पासवर्ड। तो दोस्तों यूजर नेम पासवर्ड हमने डाल दिया है, उसके बाद ये लॉगिन में क्लिक करना है आपको। इस लॉगिन में क्लिक करने पे हम डैशबोर्ड में चले जाएंगे। तो दोस्तों ये आ जाता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको जाना है, यहाँ पर जो फंड ट्रांसफर यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए या आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप जो पैसा किसी को ट्रांसफर करते हैं, किसी के अकाउंट ऐड करते हैं, उसको पेई कहा जाता है। तो पेई में दोस्तों यहाँ पर जैसे मैनेज पेई लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके आप पेई को ऐड कर सकते हैं यानी दूसरे के अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहीं पर इसमें क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये ओपन होता है आपका एक पेज जिसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे कि अगर कोई आईसीआईसीआई बैंक का ही पेई है यानी जो दूसरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक का है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर कोई दूसरा बैंक है उस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और भी ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं इसलिए हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो चूंकि मुझे दूसरा बैंक ऐड करना है इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ऐड नाउ में। यहाँ पर ऐड नाउ मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर ये मांग रहा है डिटेल उस बैंक का, जो बैंक आपको ऐड करना है उसके पेई का अकाउंट नेम, पेई का निक नेम, अकाउंट नंबर और वो सारी डिटेल मांग रहा है, एफएससी वगैरह भी मांग रहा है। तो दोस्तों ये सारे डिटेल्स आपको भरने हैं और भर करके आपको सबमिट करना है। तो दोस्तों मैं इसको भरना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों ये सारी डिटेल हम लोग यहाँ भर लेते हैं। पेई अकाउंट का नेम हम कुछ डाल लेते हैं, जैसे कि हम जिस नाम से उसको जानेंगे जिससे हमको याद रहेगा, यहाँ पे भी हम कुछ डाल लेते हैं। दोस्तों वैसे तो यहाँ पर जो पेई अकाउंट नेम जहाँ लिखा हुआ है इसे पूरा नाम एक्चुअली में लिखना चाहिए, निक नेम यहाँ आप डाल सकते हैं, इसको हम लोग पूरा नाम ही डाल देते हैं अच्छा रहेगा। तो हम लोग डाल देते हैं पूरा नाम जिसको हमको, जिस नाम से अकाउंट है, जिससे कि ये इंफॉर्मेशन अगर कभी आपको करनी हो तो ये मैच करे। तो ये हमने डाल दिया दोस्तों और ये अकाउंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि ये अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट है या किस टाइप का अकाउंट है, इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों ये है सेविंग अकाउंट, इसलिए मैं इसमें यहाँ पर सेविंग अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपका कोई करंट अकाउंट है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं करंट अकाउंट या लोन अकाउंट, जैसा भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं जाता हूँ इसमें। अब हमको ऐड करना है इसमें अकाउंट का नंबर, तो मैं अकाउंट नंबर ऐड कर देता हूँ। जो अकाउंट नंबर हम इन सज्जन का है इसको मैं ये ऐड कर देता हूँ।
ये मैंने यहाँ लिख दिया। ऊपर अकाउंट नंबर जो मैंने ऐड किया उसमें वो डिस्प्ले नहीं करता है, यानी दिखाता नहीं है, ये कोई सिक्योरिटी मेजर की वजह से ही है, तो ये अच्छी बात है दोस्तों। मैं अब यहाँ पर जो मैं एंटर करूँगा वो दिखेगा, ये बेसिकली आपके दिखाने के लिए है कि आप इसको देख लें सही है, लेकिन ये ट्रांसमिट नहीं होगा। जो ऊपर आपने एंटर किया है वो ट्रांसमिट होगा, और यदि कोई मिस्टेक है दोनों में तो वो दिखाएगा कि ये आपका गड़बड़ है। यहाँ पे मैं उसका आईएफएससी कोड डालूंगा, आपको उस बैंक का आईएफएससी कोड डालना है जिस बैंक का ये अकाउंट है, ये डिटेल आपको वही देगा जिसका अकाउंट है, उससे आप पूछ लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑनलाइन जाकर भी इस बारे में देख सकते हैं दोस्तों। इन्फॉर्मेशन मैंने अब फिल कर दी है। फिल करने के बाद दोस्तों एक मोबाइल नंबर है जो अकाउंट से अटैच है, उस ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर एसएमएस आएगा और उस पे आएगा एक कोड, जिस कोड से हम इसको कंफर्म करेंगे कि ये अकाउंट हमने ऐड किया है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट में, लेकिन दोस्तों यहाँ नेक्स्ट में क्लिक करने से पहले आपको क्लिक करना होगा इस सबमिट की बटन में। जब इस सबमिट की बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपको ये उस बैंक का पूरा डिटेल यहाँ दिखाएगा जिसको कि आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है, तो मैं क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद ये पेज ओपन होता है जिसमें कि होती है समरी, जो कि पेज आपने ऐड किया है उसकी समरी दिखती है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ओके है, अकाउंट नंबर एक बार वेरीफाई कर ले, मैं भी वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये अकाउंट नंबर सही है, तो उसके बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट में 5908020100103999। तो करेक्ट है दोस्तों ये नंबर, और मैं ये सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स सबमिट में क्लिक करने के बाद इसने ये कह दिया कि ये कंफर्मेशन के लिए पेंडिंग है, अब इसको करना है कंफर्म। तो कंफर्म करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कंफर्म पे में क्लिक करना है, जिसके बाद आपको ये यहाँ पर लिखा ना, यू विल रिसीव यू आर एन ऑन योर मोबाइल नंबर, दैट इज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड रिक्वायर्ड टू कंफर्म द पे। तो हमको चूंकि अभी कंफर्म करना है इसलिए हम इसको करेंगे कंफर्म, तो हम इसमें क्लिक करते हैं कंफर्म पे में, ये हमने कर दिया क्लिक। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे मोबाइल में एक यू आर एन नंबर ऑलरेडी आ चुका है, अब हमको यूज यू आर एन नंबर को यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद कंफर्म में क्लिक करना है, यहाँ पर कंफर्म में क्लिक करना है और यहाँ उस यू आर एन नंबर को डालना है। तो आपके पास भी जो मोबाइल नंबर होगा, उस मोबाइल नंबर जो इस अकाउंट से बेसिकली अटैच होगा, उस नंबर पे वो ओटीपी आएगा, तो आप उस ओटीपी यानी यू आर एन नंबर, यहाँ यू आर एन कहते हैं ओटीपी नहीं कहेंगे, तो उसको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर यू आर एन नंबर कहते हैं, वो यहाँ पे आपको डालना है। तो दोस्तों मैं डाल करके इसको कंफर्म में यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब मैं क्लिक करता हूँ इस कंफर्म की बटन में, ये मैंने क्लिक कर दिया। देखिए दोस्तों यहाँ आ गया कंफर्मेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, पे एडेड सक्सेसफुली एंड यू विल बी एबल टू ट्रांसफर फंड्स आफ्टर 30 मिनट्स, यानी आप 30 मिनट के बाद इसमें फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ये इसकी रिक्वेस्ट आई दी है और अभी नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये टोटल प्रोसीजर है कि किस प्रकार से आप आईसीआईसीआई बैंक में पेई को ऐड करते हैं, यानी कि किसी दूसरे अकाउंट को दूसरे बैंक के या सेम बैंक के अकाउंट को ऐड करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से बैंक को ऐड करके किसी को पैसे ट्रांसफर करना हो तो कर सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसी पे अकाउंट को आप कैसे पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो दोस्तों आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, सब जगह इसको दोस्तों शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों बस इतना ही, अगले एपिसोड में हम आपको ये दिखाएंगे किस प्रकार से इस पेई को पैसा ट्रांसफर करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, नमस्कार।